खा ले या कम खा ले, ये तू किसी एमएनसी में काम नहीं करता, ये तू यही काम करता है, टिक्की वाला टिक्की वाला टिक्की वाला है। अभी खिला दिए, अब झूठ दिए, अब उनको सच। तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। न्यू व्लॉग की स्टार्ट हो गई है, शुरू हो गया है। गैस कैसे चली है? ओए कैसे बंद हो गई है? वहां से बंद होगा। तो बस हम लोग रेडी हो गए हैं निकलने के लिए, अब जा रहे हैं। लेकिन सबके लिए सीरत बना रही है खाना, तो सीरत शुरू हो गई है खाना बनाने। क्या क्या बना रहे है? नहीं नहीं, गैस जल रही है, बनाओ बनाओ, गैस ऑन है। क्या बना रहे हो? आलू चाट। क्या बना रहे हो? बनाओ तो सही, पहले बनाओ। खा ले या कम खा ले, ये तू किसी एमएनसी में काम नहीं करता, ये तू यही काम करता है, टिक्की वाला टिक्की वाला टिक्की वाला है। मैं तो धनिया वाली लूंगी, और जिसमें ज्यादा चटनी है। ये देखिए, इसमें चटनी ज्यादा है। नहीं, वो धनिया वाली, प्याज ज्यादा है। इसमें भी तो चटनी ज्यादा है, हरी मिर्च भी है तुम्हारे गाय के। एक एक उठाओ और एक एक बांटो जल्दी। किसमें ज्यादा? तो भाई आगे फेमस टिक्की, हम गांव आए और ये ना खाएं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो खा पी के जाएंगे, खा पी के। अब उस गाड़ी में गया सारा सामान, गिराना मत। तो बस अब हम आ गए हैं घर। घर आके बस अब कपड़े कर रहे हैं, कपड़े चेंज। मम्मी ने बनाए हुए हैं दाल चावल, और आकाश के पास है जोमेटो का वाउचर जो एक्सपायर होने वाला है। तो आकाश को देखते हैं हम क्या मंगाते हैं, बर्गर पिज्जा या क्या मंगाएंगे। मम्मी सोफे पे लेट गई है, लेट गई है मम्मी, इस पे आकाश, अंकित ढूंढ रहे हैं रिमोट क्योंकि आ रहा है मैच। तो बस खाना वाना खाते हैं, टाइम से पूरे रस्ते सोते हुए आए हैं, पूरे रस्ते। तो बेसिकली हुआ क्या है कि ना, मैंने कल भी वीडियो बनाने का ट्राई किया, बहुत ज्यादा ट्राई किया जब हम वहीं से वापस आ रहे थे, बट बिल्कुल भी मन नहीं किया क्योंकि इतनी ज्यादा थकावट हो गई थी, इतनी ज्यादा थकावट हो गई थी डांस वांस करके और ये सब करके, बहुत ज्यादा थकावट हो गई थी। फिर उसके बाद मैं रास्ते में आई, मैंने तब भी ट्राई किया, घर आके मैंने ट्राई किया, बट हाथ बहुत बार फोर हाथ में पकड़ा 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 पकड़ा, बट नहीं मिल। हाय शिया, कैसी है शिया? कैसी है शिया? कैसी है? अच्छा, हम कहाँ जा रहे हैं सबको बताना। कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं? मार्केट। कहाँ जा रहे हैं? आई नहीं। तो बस अब मम्मी पापा गए, इतनी ज्यादा थकावट भरा दिन था, बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था कुछ भी करने का क्योंकि रात को भी बहुत लेट हो गए थे। दोस्त बस मम्मी पापा भी थोड़ी देर पहले गए हैं, मम्मी पापा और आकाश को मैंने रात को यहीं स्टे करा लिया था क्योंकि हम 9:30 के आसपास पहुंचे थे। मैंने कहा अब मत जाओ, आराम से सुबह जाना, और पापा का आपको पता ही है उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। लेकिन शादी, घर की शादी थी, वो बड़े पापा लगते हैं जिसकी शादी थी उसके, तो पापा का जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, तो पापा इसी वजह से गए थे, वापस भी आ गए हैं। सीरत बिहेव योर सेल्फ। तो बस अब उसके बाद वो उनको आए, उनके पैर वैर सूज गए, उनको फीवर आ गया, तो इस वजह से मैंने उनको जाने नहीं दिया। आज भी फीवर था बट गोली वोली दे के उनको भेजा है कैब से घर। तो बस अब मैं और अंकित जा रहे हैं नीचे मार्केट क्योंकि मम्मी जो गुरुद्वारे मम्मी डेली जा रहे हैं पाठ करने के लिए, तो कल मम्मी की टर्न है एक छोटी सी जो भी सेवा करते हैं उसकी, तो उसके लिए मम्मी को वहाँ पे देना है रुआबजा बिस्किट्स, तो उस सबके लिए दूध रुआबजा चीनी वो सब कुछ लेके आना है। वहाँ के लिए अलग से लाते हैं, घर में भी है बट वहाँ का प्रसाद के लिए अलग से आता है। तो मैं और अंकित जा रहे हैं सीरत के साथ वहाँ से सामान लेने, मम्मी को जो भी ज़रूरत है बिस्किट्स वगैरह मम्मी को डिस्ट्रीब्यूट करने हैं प्रसाद के लिए, तो हम जा रहे हैं वहाँ, वो लेके आते हैं। और भी जो 2-4 चीज़ें लेंगे वो आपको भी दिखा देंगे बाद में। जीजू का भी फ़ोन आ रहा है कि घर पर आ जाओ रात को, तुम लोग 2 दिन बाद आए हो तो आ जाओ मज़े करेंगे ये वगैरह वो। तो मैंने अब देखती हूँ जाऊँगी कि नहीं क्योंकि सीरत का भी स्कूल है, 3 दिन की ऑलरेडी छुट्टी हो चुकी है शादी की वजह से, तो जो भी प्लान होगा आपको भी बताएंगे। तो जी निकल गए हैं अब हम कापा सेड़ा के लिए, और ये रही हमारी चुईया 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 चुईया। हाय, तो हम कापा सेड़ा थोड़ी ना जा रहे हैं, और कहाँ जा रहे हैं हम? तो टुडे बाजार जा, टुडे बाजार जा रहे हैं। अच्छा, कापा सेड़ा तो बंद हो गई होगी, वो जो 9 बजे होलसेल मार्केट है बंद हो जाती है। तो बस मेरा ब्रेक, सॉरी ब्रेक कह रही हूँ, जॉब अभी खत्म हुई है 9 बजे, आजकल दिन की शिफ्ट चल रही है तो 9 बजे खत्म हुई है। अब मैंने जो आपको बताया था मम्मी के लिए वो लेके आना है पार्ट की सेवा के लिए जो भी लाना है हमें, तो अब देखते हैं जो खुला होगा वहाँ से फटाफट मम्मी को सामान ला के दे देते हैं।
और थोड़ा सा अपनी भी आउटिंग हो जाएगी, 9 बज गए, थोड़ा घूम फिर लेंगे। और एक चीज और, आज हम खुल के कुछ ना कुछ खा ही सकते हैं क्योंकि आज हमारा आखिरी दिन है, कल से फिर दोबारा डाइटिंग शुरू हो जाएगी। डाइटिंग से असर कुछ नहीं पड़ता लेकिन हमारी जान भी चलती। तो बस हमें मिल गया एज यूजुअल वाला ट्रैफिक। वाह प्रिया, क्या सिनेमैटिक शॉट लिया है तूने इस ऑटो का। वाह 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 सिया, वाह वाह, बोलियो वाह वाह वाह। तो जी अब डल रहा है अंकित में अंकित की स्कूटी में पेट्रोल। तो ये आ गए जी हम काबा सेड़ा मंडी। अंकित आगे देख के चला लो, मेरा दिमाग मत खराब करो। आगे देख आगे देखो, उधर से गाड़ी ना देखूं, आगे देख के चला लो, आगे देख के चला लो। तो ना गाड़ी ढंग से चलती है ना स्कूटी ढंग से चलती है। अब आगे देखूं या इधर देखूं? छह बार झटके दे के मेरा कर दिया है काम खराब सारा। दो तरबूज लेके आई थी गाइस, इसमें दो, इसको स्पीड ब्रेकर ही नजर आते निकल जाएगा। ओ सॉरी, ओ सॉरी। इसको बोलना दो तरबूज की जगह आगे देखो, मैं बात कर रही हूं लोगों से। एक बार नीचे दिखा पहले, दो तरबूज का है लेकर खुद एक आई है, एक तोड़ दिया मेरा तरबूज रास्ते में, मतलब कुछ भी मारा, कोई कंटेंट नहीं, कुछ भी बोल दे रहे हैं, कुछ भी का बोल दे रहे हैं। भगवान कसम मैं क्यों खाऊं। आ गए ना, और फिर कहते कोई बात नहीं, आधा टूटा होगा आधा उठा दूं, क्योंकि डर लग गया कि मैं बता दूंगी अब एक तरबूज टूटने से। एक तरबूज लेके आई है लेकिन मेरे को बोलती कि दो तरबूज बोल। पीछे से वो दीदी आ रही थी, वो कह रही मैम वो बिल्कुल खराब हो गया, अब इतनी गुंदक आ रही है, अभी भी ऐसे छक्के मार के चला रहे हैं कि जो है वो एक वो भी चला जाएगा। शतर मुड़ की तरह इधर उधर निगाह रहती है। ये वाले भैया थोड़ी है, अब इनको खाना है सीख रोल चिकन खा के क्या फायदा, दिमाग पे लग नहीं रहा है। अब देख स्कूटी स्टैंड पे लगा दी, मैं उतर पीछे भी देख, बच्चा भी इतना टेढ़ा, तो सोचो मेरा क्या हाल हुआ होगा। मजा आया। और गाड़ी भी इतनी बेकार चलाते, छोटे छोटे बच्चे बोलते हैं कि बहुत गंदी गाड़ी चलाते हैं, मतलब वो ये शब्द यूज नहीं कर पाते ना, गंदी चलाते हैं, वो बोलते तो खतरनाक चलाते हैं। खतरनाक सुन के इनको लगता है कि ओहो मैं तो राइडर हूँ, ये नहीं पता कोई बेस्ट नहीं कर पा रहा है। फ्यू वेट, क्या खाने आए हो, क्या खाने आए हो, चिकन क्या भाई? मेरा बंदरा इसको पकड़ना है, अच्छा बैठना है, ओके ओके। गुस्सा क्यों हो गया, ये क्यों गुस्सा है, ये कोई कीड़ा कूड़ा काट देगा, नाले की बात है, उतर खा इसको। आओ कीड़े के नाम पे उड़ गई, गुस्सा खत्म। गुच्छा आ गया था, सीधा कीड़ा है वहाँ पे, कीड़ा 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 है, कीड़ा। स्कूटी पे बैठ जाओ, यहाँ पे गुस्सा हो जाओ, यहाँ पे गुस्सा हो जाओ सिया, यहाँ पे गुस्सा हो जाओ, यहाँ गुस्सा हो जाओ। होना जरूर है, बाय। गुस्सा है ना, बाय बाय गुस्सा। ये लो ओए कोयले, ओह क्या करा भैया ने, ऐसे करा था जी। अब चल रहा है हम सबका डिनर, अंकित कर रहे हैं अफगानी चिकन के साथ रोटी, मम्मी रोटी करेले के साथ, और ये दो चार हमारे पास रोल है, सीख रोल, बस ये सब खा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। क्या खा रहे हो, चिकन? बहुत परेशान करती है तू मम्मा को। मम्मी मैंने वहाँ तरबूज दिया था, मैं कटवा के देखने लगी कि खा लेती हूँ कैसा है, इतने में गाय के ना दो बछड़े थे छोटे छोटे, उनके पीछे बहुत दूर तक भाग गई, फिर मैं भागी अपना तरबूज छोड़ के, फिर वो तरबूज वाला मुझे भाग के वो तरबूज देने आया, क्योंकि मैं पे कर चुकी थी, वो तरबूज देने आया, कहता भाभी आप अपने बच्चों को पकड़ो, गई और उसकी पूछ पे छेड़ रही, कह रही मम्मा काओ भागेगी, काओ शिया आ गई, भूत है, हैं? वो बेचारा इतना मासूम सा अंकित बछड़ा था, वो इससे सच्ची में ही डर के भाग रहा था, कोई बड़ी बड़ी गाय टकरा जाती ना भू बना देती। वो चिकन खा रही है मेरा पुत्रा, टेस्टी है चिकन। वाले भैया भी जानते हैं, जाते कहते हैं और सिया कैसी है, सिया बोलते हैं ना भैया आपको, बिरयानी वाला नहीं सिखा रहा, नहीं वो नहीं था।
तो भाई अभी अभी हम कमेंट्स रीड कर रहे थे, बहुत प्यारे प्यारे कमेंट किए आप लोगों ने उसके लिए, उसका दिल, उसके लिए दिल से शुक्रिया। और अभी हमने देखा किसी ने ना अंकित को ना लाफ आउट लाउड लिख के लिखा हुआ है कि प्रिया आप अंकित को प्लीज डोंट से एनीथिंग, वो हमारा राजा बाबू है। अब हम लोग लाउडली पढ़ रहे थे तो सीरत ने सुन लिया, अब सीरत वो ही बोलने पे तब से ज्यादा लगी हुई है। क्या राजू बाबू? नहीं राजा बाबू, पापा पापा है, पापा को बोलो पापा राजा बाबू। ओके पापा, पापा को क्या लिखा है हमारे सब्सक्राइबर ने? मुझे क्यों मार रहे हो? पापा को क्या लिखा है हमारे सब्सक्राइबर ने सिया? राजू बाबू। राजू बाबू तो इतनी बंदर सा बच्चा कैसे छिप जाता है। तो मैं आपको दिखाती हूँ, हमारे घर में एक छोटा व्लॉगर भी आया, आपको दिखाती हूँ मेरे को। सीरत व्लॉग बना लो, व्लॉग बना लो अंकित का, दादी का व्लॉग बना लो इसमें। ओहो बहुत अच्छा बन रहा है, बहुत अच्छी पिक्चर आ रही है। ऑन कर दूँ? ओहो ऐसे व्लॉगिंग नहीं हो रही क्या? ओहो यार ऑन करना पड़ेगा ये तो। ये लो एक मिनट, वीडियो वीडियो मोड ऑन कर दूँ इसका। ये लो तो कैमरा बंद हो जाता है बार बार, फिर बंद हो गया यार। शिया ये आशे हो, यहाँ से कर लिया करो ना, ऐसे कैसे आप व्लॉगर हो? ये लो हाय सिया, रहने दो बाद में बनना व्लॉगर। हेलो गाइस हाउ आर यू? राजा बाबू वाहेगुरु जी, वाहेगुरु जी का खालचा। तो बस यहाँ पे चल रहा है इन सबका, खाने के बाद जो भी को अंतिम खाना होता है फ्रूट, तो तीनों खा रहे हैं खरबूजा, मैं नहीं खा रही हूँ क्योंकि मेरा पेट ओवरलोड हो गया है। इसके बाद अंकित का प्रोग्राम है कि आम भी खाएंगे, इसके बाद आम भी खाना है अंकित बाबू। उसके बाद तरबूज भी है, वो भी काट दें। कभी बच्चे को अपने हाथ से खिला लिया कर ताकि उसको अच्छा लगे, हर बार फोन में बड़ी रहती है। बच्चा सेल्फ इंडिपेंडेंट है, वो किसी के हाथ से नहीं खाती, नहीं है बच्चे के ऊपर ध्यान नहीं दोगे ना वो खाता नहीं है। आपको पता है कि मैं बच्चे पे कितना ध्यान देती हूँ और आप कितना देते हैं, तो आप ये टिप्पणी व्लॉग ऑन हो करते ही तो छोड़ ही दे। टीचर भी स्कूल में यही बोलते हैं कि आपकी बेटी अपने हाथ से खाती है, वो आप घर पे भी आप खुद ही खाती है क्या? ये लो फेंक दिया, हो गए बन गए हीरो। अब देखो अब खुद खाएगी, तुम्हारे हाथ वाला फेंक दिया ना, तुम्हारे हाथ वाला फेंक दिया ना, अब देखो। यस बेटा वेरी नाइस। हमेशा 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 अपने आप पे खड़ा होना, इंडिपेंडेंट होना सिखाओ बच्चे को। मम्मा ने गोलगप्पे भी बना के दिए थे ना आपको थोड़ी देर पहले। शी यू डोंट लाई बेटा, अगर आपने गोलगप्पे बनाए होते उससे पहले आप वीडियो बनाते। सिया मैं जॉब की शायद बना रही थी ना यार। अंकित खुदा के लिए बच्चे को तो झूठ मत सिखाओ, खुद जैसे हो उसको तो मत बनाओ, उसको भी झूठ बोलना सिखाना। मैं सच बोल रहा हूं, खा जो भगवान कसम, जैसे तरबूज नहीं तोड़ा तुमने ऐसे इसकी भी कसम खा लो। तरबूज मैंने तोड़ा ही नहीं, एक ही तरबूज था, एक ही था ना यार, मतलब कोई शब्द ही खत्म है मेरे पास। हद है, ऐसे मोड पे आके ना बंदा स्पीचलेस हो जाता है क्योंकि झूठ बोलते हो इसलिए। अंकित देखो ड्रामे तो करो मत, सच बोलो, झूठ मत बोलो। सीरत वाटरमेलन वन था? सीरत कितने वाटरमेलन थे? वन। नहीं बेटा आप बताओ कितने वाटरमेलन थे? वन। टू थे ना? वन। ऐसे कर दो वन टू। सीरत सच बोलो कितने थे? वन। मम्मी ने आपको गोलगप्पे खिलाए थे? और क्या बोलूंगा बता। तो जी बस अब हम लोग जा रहे हैं सोने क्योंकि टाइम ज्यादा हो गया है, सीरत को भी स्कूल जाना है, झूठ बड़ी झूठ भरी दुनिया से
रात रात के लिए अलविदा लेते हुए मैं जा रही हूँ अपने कमरे में। झूठ बोली सब बोलते हैं कि प्रिया आप बहुत कड़वा कड़वा रिएक्शन देते हो अंकित को, उनको पता नहीं कि तुम कितना नाक में दम करके रखते हो मेरी झूठ बोल। कड़वा रिएक्शन तो दे रही है क्योंकि मैं सच बोलता हूँ, सच के सिवाय कोई बोलता नहीं, तो कड़वा बोलता हूँ। तुम कसम खा लो जिस बात पे मैं बोल रही हूँ उस पे कसम खाते जाओ, सब तुम्हें सच मानते जाएंगे। कितने वर्ड सोचे तब ये पूरी लाइन एक बन पाई है, कितने वर्ड सोचे थे, लग गए ना 5 सेकंड। अभी खिला दिए, अब झूठ नहीं, अब उनको सच बोलते। एक ही वाटरमेलन था, कोई गोलगप्पे नहीं बने थे। हाँ भगवान करो मैं जो तुम बोल रहे हो सब सच बोल रहे, कुछ नहीं बोल। मैंने भी क्या चीज बोली थी, मैंने इतनी अच्छे तरीके से बोली थी। एक बार मैं बोल दूँ ना, क्या पता लोगों को तुम्हारी पहली इंग्लिश समझ ना आई हो, आंख मल रहे हो कि दोबारा कुछ इंग्लिश में आएगा। क्या कसम खाना क्या होता है? Not a good habit. Not a good habit. एक बार अपना इंट्रोडक्शन भी दे दो इंग्लिश में, 5 लाइन का अपने बारे में, बहुत अच्छी बातें इंग्लिश में अपने बारे में 5 अच्छी लाइन बताओ। मैं खरबूजा खा रही पेट भर गया। मैंने खा रही, तुमने आम मंगाया मम्मी से, आम खा रही तो मैं क्यों खाऊं? ये खरबूजे का पैक लगा लिया इसने फेस पे। अब बड़ा बच्चे पे ध्यान रख रहे थे तुम, अब कहाँ गया ध्यान? अभी भी एक बच्चा कुछ कर रहा है तब भी तो बड़ी है। ये उसकी एज है, ये एज में उसको एंजॉय करने दो, चाहे वो मिट्टी में खेले चाहे वो कुछ भी करे, ये दिन दोबारा नहीं आते। तो बस इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। पहले झूठ इतना बोला, अब चीख रही है। तो बस अब इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, होप करते हैं आपको हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करके कमेंट करके बंद कर दे अपना ढक्कन, नहीं तो कोई आ जाएगा, कोई आ जाएगा, बंद कर दे। तो बस गाइस इस वीडियो को यहीं पे मैं सीरत को हंसाने के लिए सब बोल रही थी, तो आप बस इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अच्छे से कमेंट करके अपना ढक्कन बंद कर लें, क्योंकि अगर आप ढक्कन खोल के रखेंगे तो कोई और ब्लॉगर आके अपने अपने ब्लॉग आपको दिखा के जाएगा। बाय।